नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रति सोमवार होने वाली टीएल बैठक आज बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में ली गई। सभी विभाग के अपर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम, तहसीलदार व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। बैठक के दौरान दिशा निर्देश भी कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक के दौरान दिए हैं। वह सभी कार्य पूर्ण करने को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक में कहा है कि बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकारी निराकरण और जो पेंटिंग कार्य उनका पूरा करने का दिशा निर्देश बैठक में दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि टीएल बैठक ली गई है, सभी विभागीय अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर इंदौर में जिले टॉप 5 पर आए हैं उनको, और जो जिले पीछे छूट गए हैं विभाग के उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि जल्द ही अपने हेल्पलाइन का निराकरण करें। कलेक्टर ने बैठक में दिशा निर्देश सभी विभाग के अधिकारी को दिए। आज टीएल बैठक का आयोजन किया गया था और अंतर्विभागीय समन्वय के सभी मुद्दों पर बात हुई है। खास तौर पर जो सीएम हेल्पलाइन है उससे संबंधित विस्तृत समीक्षा करी गई है। वैसे तो स्थिति जिले की अच्छी है, जो ग्रुप ए है उसमें 8वीं रैंक इंदौर की है, लेकिन कुछ जो विभाग हैं खास तौर पर जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है उनको सुधार के लिए कहा गया है। निश्चित रूप से लगातार सीएम हेल्पलाइन में हम लोगों को टॉप 5 में बने रहना है और लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण संभव हो इसके लिए सीएम हेल्पलाइन एक बहुत अच्छा टूल है जिस पे हमको लगातार काम करना है। इस संबंध में सभी को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो लोक सेवा गारंटी के विषय हैं, जो समय सीमा बाय हैं, 7 या 8 आवेदन जो थे उनको आज ही निराकरण करने के लिए कहा गया है, और भविष्य में अगर कोई समय सीमा बाय लोक सेवा गारंटी से बाहर आवेदन जाता है तो जो पेनल्टी होती है वो तत्काल संबंधित अधिकारियों पर लगाई जाए, ऐसे निर्देश भी प्रसारित किए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य अंतर्विभागीय समन्वय वाले मुद्दे थे उन पर चर्चा। जी हाँ, संपदा 2 एक बहुत अच्छा पोर्टल है जिसके माध्यम से न केवल नागरिकों को सहूलियत होगी बल्कि ट्रांसपेरेंसी भी सिस्टम में आएगी। इससे संबंधित सभी विभागों को इसका प्रेजेंटेशन दिया गया है जिससे कि सभी को कार्य करने में सुविधा हो और सभी लोगों तक जो चेंजेस हुए उनके संबंध में जानकारी प्राप्त हो। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।